को लेकर मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। इस अहम सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं है। पहले डेडलाइन 31 मार्च 2018 थी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि सरकार आधार लिंकिंग पर किसी को बाध्य नहीं कर सकती। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी के मामलों में आधार लिंक की समय सीमा पहले की तरह लागू रहेगी। कुछ दिनों से आपको ये दिखेगा कि बैंक्स और मोबाइल कंपनीज आपको मैसेजेस और कॉल्स कर रहे थे कि आपका बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन का नंबर आधार से लिंक कर दे। उस बात पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि एक्चुअली 31 दिसंबर डेडलाइन है, 31 मार्च डेडलाइन है कि नहीं, जबकि ऑलरेडी 15 दिसंबर का ऑर्डर ये बोलता था कि जब तक मैटर डिसाइड नहीं होगा तब तक लिंकिंग नहीं होना चाहिए। उस मामले में एटलीस्ट आज एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दिया गया है कि जब तक मैटर डिसाइड कंप्लीट हियरिंग ना हो जाए और फाइनल जजमेंट ना आ जाए कोई भी लिंकिंग का इंसिस्ट नहीं कर सकता। और अब बात उस वीडियो की जिससे पाकिस्तान